नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तो। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका अल्लाह बोल में। यूपी में बीजेपी के एक और विधायक कोरोना का शिकार हो गए। बरेली के नवाबगंज के विधायक केसर सिंह गंगवार की मौत पर परिवार वाले अपनी ही बीजेपी की सरकार पर आग बबूला हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की राजनीति गर्म है। आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? आखिर कौन है केसर सिंह गंगवार की मौत का जिम्मेदार? और अगर उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही है तो फिर क्यों दम तोड़ रही है यूपी की जनता? क्यों अब तक बीजेपी के 3 विधायक जान कोरोना से गंवा चुके हैं? इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ केसर गंगवार के बेटे विशाल गंगवार भी जुड़ेंगे और विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान भी। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट। एक विधायक, सत्ताधारी पार्टी का विधायक, रसूख वाला विधायक और एक अदद अच्छे अस्पताल के लिए, ऐसी जद्दोजहद कि सुनकर ही आप संसद में आ जाएं। जी हां, केसर सिंह गंगवार नहीं रहे। यूपी के नवाबगंज से वो बीजेपी के विधायक थे। कोरोना से जंग उन्हें हारना पड़ा क्योंकि उन्हें जिस किस्म के इलाज की जरूरत थी वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। न पार्टी काम आई, न पद काम आया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की गई फरियाद भी काम नहीं आई। इस खत का मजमून देखिए। मैं केसर सिंह गंगवार, विधायक नवाबगंज, कोरोना से संक्रमित हो गया हूँ। मेरा उपचार श्रीराम मूर्ति स्मारक अस्पताल बरेली में चल रहा है। मुझे गहन चिकित्सा और प्लाज्मा थेरेपी की सलाह दी गई है। मुझे मैक्स अस्पताल दिल्ली में एक बेड उपलब्ध कराने की कृपा करें। एक विधायक का यह खत बताता है कि यूपी से दिल्ली तक स्वास्थ्य सेवा कितनी चरमराई हुई है। बरेली कोई छोटा शहर नहीं, लेकिन वहां के एक विधायक को दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के लिए गुहार लगानी पड़ गई और शायद उचित इलाज के अभाव में जान से हाथ धोना भी पड़ गया। अपने पिता की मौत पर केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार ने यूपी और केंद्र सरकार दोनों को आड़े हाथों लेते हुए फेसबुक पर लिखा, क्या यही है यूपी सरकार? अपने ही विधायक का नहीं करा पा रही इलाज। मैंने कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन किया मगर मजाल है जो फोन उठा लिया गया हो। धन्य है यूपी सरकार और धन्य है मोदी जी। एक विधायक का ये हाल है तो आम जनता कितनी बेहाल होगी ये समझना मुश्किल नहीं। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। अगर एक भी मौत कोरोना से होती है वो चाहे विधायक की हो, किसी वीवीआईपी की हो, आम जनता की हो, आपके हमारे परिवार से किसी की हो, वो नहीं होनी चाहिए। और अगर मदद मांगने के बाद भी मौत हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? और वो भी उस उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर अजय कुमार, राघव चड्ढा जी, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा और हमारे साथ विशाल गंगवार जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद आज तक पर जुड़ने के लिए। संबित जी, हम चाहते थे कि एक बार विशाल गंगवार, जो केसर सिंह जी के सुपुत्र हैं, उनकी बात सुन लें और फिर इस चर्चा की शुरुआत करें। लेकिन संबित जी, जब भी आपसे बात होती है, बैठते हैं टीवी पर, तो वही होता है कि पिछले कई दिनों से, एक अरसे से हम लोग सिर्फ दुख, परेशानी, तकलीफ, ऑक्सीजन की कमी, बेड नहीं मिल रहा है, मदद नहीं मिल रही है, इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन संबित जी, क्या अगर एक विधायक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखता है उसके बाद उसे बेड नहीं मिल पाता है? संबित जी, एक विधायक का बेटा मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार फोन करता है, उसे मदद नहीं मिल पाती है, तो यहां हमें सोचना नहीं चाहिए? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है संबित जी? देखिए सईद भाई, पहली बात तो है, मैं अभी केसर सिंह जी के सुपुत्र हमारे यहाँ पर टीवी डिबेट में आए नहीं है। जब वो आएंगे तो मैं जरूर उनको एक तो कहूंगा कि हम बहुत ही इसके लिए खेद जताते हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए, विधायक हो या आम जनता हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज के इस संक्रमण काल में, इस पैंडेमिक के युग में हर कोई परेशान है। ऐसा नहीं है, और मैं कहूंगा कोई परेशान नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। और राजनीति करना आरंभ करूंगा तो लोग उसे पसंद भी नहीं करेंगे।
मगर दो तीन बातें मैं यहाँ आदरणीय केशर सिंह जी के बारे में कहना चाहूंगा। केशर सिंह जी को मैं आज नमन करता हूँ क्योंकि पार्टी के सेवा के कार्यक्रम में वो लगे रहे, जिस प्रकार से वो गरीबों के सहायता करते रहे, घर घर खाना इत्यादि पहुंचाते रहे, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो मूल आधार है, जो मूल चिंतन है कि गरीबों के लिए काम करना है, वो अपने काम में व्यस्त रहे। उस बीच वो संक्रमण में भी आए और संक्रमण के कारण उनकी हालत बिगड़ी। देखिए वो अस्पताल में थे, ऐसा नहीं था कि वो अस्पताल और शिक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाए, चिकित्सा केंद्र नहीं पहुंच पाए, वो अस्पताल में भर्ती थे और जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो उनको दिया जा रहा था। सही बात है, चाहे विधायक हो या आम आदमी हो, सबको इच्छा होती है कि बड़े से बड़ा अस्पताल में अच्छे से अच्छे चिकित्सा उनको मुहैया कराया जाए। उन्होंने भी चिट्ठी लिखा डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जैसा आपने दिखाया कि मुझे मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में एक बेड दिया जाए। देखिए ये दोधारी तलवार है, अगर एक बेड मैक्स हॉस्पिटल में दिया जाता तो आज डिबेट ये हो रहा होता कि ये तो वीवीआईपी कल्चर है। आप लोग फोटो चलाते कि देखो एक विधायक था इसलिए हेल्थ मिनिस्टर ने विधायक की बात सुनी और एक आम आदमी को वंचित रख के उसी बेड को विधायक को दे दिया या सांसद को दे दिया। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, जिस प्रकार से आम आदमी की चिकित्सा हो रही है आप उसी प्रकार से चिकित्सा हर किसी को कराना पड़ेगा, तो आप कहते हैं देखो विधायक होने के बावजूद भी उसकी बात सुनी नहीं गई। मैं बिल्कुल मानता हूं विधायक हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, हर किसी के लिए सबसे अच्छी सुविधा होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर हाँ संबित जी, हमने नहीं रोका, आपकी पूरी बात सुन ली जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संबित जी। लेकिन संबित जी सवाल ये था, देखिए आज आपके पास भी हमें पूरा विश्वास है संबित जी कि इस संकट काल में आपने बहुत लोगों की मदद की होगी, क्योंकि हम लोगों के पास परिवार के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, जान पहचान वालों के, अनजान लोगों के फोन आते हैं, बेड का इंतजाम करवा दीजिए, ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, डॉक्टर से बोल दीजिए इलाज ठीक कर दे। लेकिन एक बार जब भर्ती कर देते हैं ना सभ्य जी, तो आप भी डॉक्टर हैं, उसके बाद सिर्फ डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, सिर्फ अपने घर में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर संभाल लेगा, सुधार लेगा। क्योंकि यहां सवाल इसलिए कि विशाल गंगवार जो हैं संबित जी, वो कह रहे हैं कि मैं मदद मांग रहा था, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय को बार बार फोन कर रहा था और उनकी स्थिति गंभीर थी, इसलिए वो डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिख रहे थे। एक आम आदमी लिखता तो भी उसे बेड दिलवाना चाहिए था, एमएलए ने लिखा तो भी दिलवाना चाहिए था। हम आपका रिएक्शन और लेंगे संबित जी, लेकिन डॉक्टर आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। जाहिर सी बात है संबित जी, आपके विरोधी हैं वो वहां पर, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का इलाज न हो तो निजी अस्पताल में चले जाएं, खर्च सारा का सारा उत्तर प्रदेश की सरकार वहन करेगी। इस पर आप विश्वास करते हैं? आपके पास भी डॉक्टर मिश्रा बहुत लोग आए होंगे, आपने मदद की होगी उनकी, क्या ये उत्तर प्रदेश में स्थिति है, ऐसा ही हो रहा है या कहीं कुछ कमी है? सईद भाई, मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा हूँ। अरे क्षमा डॉक्टर साहब, पेशे से एक चिकित्सक हूँ। माफी माफी, मैं पेशे से भी चिकित्सक हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं पेशे से भी चिकित्सक हूँ। और सईद जी, मैं देखता हूँ कि ये बार बार इस तरीके के बयानवीर, और खासकर जब सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करते हैं। अभी उन्होंने लिखा कि यूपी में ऑक्सीजन दवा और बेड की कोई समस्या नहीं है और ये कुछ लोगों का एजेंडा है। मुझे आज भी बड़ा शर्म आता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आदमी रहता है, मैं राजधानी में रहता हूं और जो स्थिति है यहाँ पर, ये इस तरह के बयान जख्मों पे नमक छिड़ने जैसे। और नई चीज क्या निकली, उत्तर प्रदेश में इलाज नहीं मिलने के बाद अगर कोई मरता है तो शमशान में अंतिम संस्कार मुफ्त में होगा। अरे कहां गई आपकी संवेदना? और समित भाई, केसर जी जो विधायक थे, ये विधायक नहीं, सिस्टम आपका, उसकी मौत हुई है। वो एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक लोग थे जो सिस्टम के साथ फेल हो गए हैं। एक विधायक जब ये नाम नहीं कर सकता, आप हकीकत में आप समझ सकते हैं आम आदमी की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो जाके कहीं बेड ले पाए। और ये वास्तविकता है। आप लोग मानने को तैयार नहीं है। आपने पिछली वेव में आपने चेतन चौहान जैसे प्रखर समाज सेवक को खोया, आपने दूसरे तीन तीन विधायकों को खोया, आपने इस बार सुरेश श्रीवास्तव लखनऊ पश्चिम में खोया। दो दिन बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और रमेश चंद दिवाकर औरैया के विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई। आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, ना सरकार है ना सिस्टम है। और ये तब भी आप उसमें बोलने की जा रही कि राजनीति मत करो। अरे हम विपक्षी पार्टी हैं, हम आपकी आरती करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारा आदमी आज ऑक्सीजन की वजह से मर रहा है, तिल तिल करके मर रहा है।
मुझसे पूछिए, रात के 2-2 बजे हम लोग अपनी ऑक्सीजन उठा उठा के लेके किसी को देने जा रहे हैं, कहां है सरकार? लेकिन क्या आपने कभी पूछा कि ऑक्सीजन के लिए पिछले 1.5 सालों से आपने क्या व्यवस्था करी? हमारे सांसद महोदय ने कहा DRDO में बड़ा सा अस्पताल बनाएंगे, 10 दिन से अस्पताल बन रहा है, तो जब भूख लगे, जब प्यास लगे तो कुआं खोदना शुरू करो। ये आपकी लाचारी दिखाती है, कहां पर है आपकी व्यवस्था? कोरोना आज नहीं आया है, ठीक है, कोरोना आए हुए पूरे 1.5 साल हो चुके हैं। आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष, हम आपसे यही समझना चाह रहे थे कि स्थिति क्या है। आपने स्थिति बता दी, लेकिन सवाल आप पर यह भी उठता है क्योंकि आप विपक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है आप अच्छी बात तो कहेंगे नहीं, लेकिन इस पर चर्चा हम लोग फिर कभी कर लेंगे। राघव चड्ढा जी, अजय कुमार जी आ रहे हैं सर आपके पास। राघव जी, 500 बेड का एक राधा स्वामी सत्संग पर अस्पताल शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता वहां पहुंच रहे हैं, जो लोग अंदर जा चुके हैं उनके बाहर कोई खबर नहीं आ रही है, कोई बताने वाला नहीं है, बाहर परिजन खड़े हुए हैं, पता नहीं 500 लोगों को अंदर लिया भी है नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दिल्ली में लगातार आप ये कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जल्द ही 1200 बेड का इंतजाम कर लेंगे, और कर भी रहे हैं, 500 तो हो गए। DRDO ने 200 बेड वहां शुरू कर दिए हैं आर्मी हॉस्पिटल के पास, सब हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद राघव चड्ढा जी, ऑक्सीजन की कमी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, और लोग परेशान हैं, क्यों? सईद भाई, ऑक्सीजन की कमी की जहां तक बात है, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ अस्पताल जो अपने बेड कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे थे, यानी कि कोई 400 बेड का अगर अस्पताल चल रहा है, वो 400 से 500 करना चाहता था इस कोरोना महामारी की एक वेव को देखते हुए, वो आज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज उसके अस्पताल में 400 लोगों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। तो एक ऑक्सीजन का अभाव से पूरा सिस्टम चरमराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं अगर बिना कोई राजनीति करे ना राजनीतिक दल का नाम लूंगा, फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। सही भाई, आप जानते हैं मुझे, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। हमारी कुल मांग 700 मेट्रिक टन की थी। अगर केंद्र सरकार के कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, जो केंद्र सरकार कहती है कि अगर राज्य में इतने ICU बेड हैं, इतने गैर ICU बेड हैं, तो कुल मिलाकर हमारी मांग अगर केंद्र सरकार के फॉर्मूले से जाएं तो 976 मेट्रिक टन बनती है। हमें 976 मेट्रिक टन का आधा, यानी कि 480 मेट्रिक टन लगभग दिया गया, और उसका भी 480 मेट्रिक टन केवल हमें कागजों में आवंटित किया गया, 480 का भी 400 ही दिल्ली की दहलीज तक पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा जो आवंटन किया गया और दिल्ली की दहलीज पे इस ऑक्सीजन को लाकर छोड़ने की चीजें जो प्रयास करे गए, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई है। मुझे लगता है कि दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, जल्द ये समस्या हल होगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, और आप कहें एक प्रकार का खुलासा, मैं आज आपके चैनल पर अभी करना चाहता हूं, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भेदभाव नजर आ रहा है। अन्य 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 राज्यों में, सईद भाई मुझे एक मिनट दीजिएगा, फिर मेरे से मत बुलवाइएगा चाहे। अन्य राज्यों ने जब जब केंद्र सरकार की समिति के सामने अपने ऑक्सीजन की मांग रखी, हर उस राज्य को जितनी उसने मांग रखी उतनी मांग मिल गई, उतना ऑक्सीजन मिल गया, कुछ कुछ राज्यों को उससे ज्यादा मिल गया। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसने जितनी मांग रखी उसका आधा भी उसे नहीं मिला। केंद्र सरकार के फॉर्मूले से जितनी मांग बनती है उसका भी आधा नहीं मिला। फर्क, उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश ने 800 मेट्रिक टन मांगा, उसे 753 मिला। पंजाब ने 126 मांगा, 136 मिला। राघव जी, तमिलनाडु ने 200 मांगा। मैं सारे राज्य पढ़ के बता देता हूं। नहीं नहीं, वो डेटा तो है ना, मध्य प्रदेश को 25% ज्यादा दे दिया है, वो अदालत ने सवाल भी उठाया राघव जी, वो पता है हमें। राघव जी ये बताइए कि जो कैसे केंद्र तय करता है, या क्या केंद्र यह तय करता है कि दिल्ली को इतनी जरूरत है हम इतनी ऑक्सीजन देंगे, या आप लोग बताते हैं? या आप लोग बताते हैं, एक फॉर्मूला है सईद भाई कि अगर इस राज्य में मान लीजिए 1000 ICU बेड हैं और 5000 गैर ICU बेड हैं, तो 1000 ICU बेड के लिए 1000 × मान लीजिए 5 ऑक्सीजन चाहिए, और अगर 5000 ऑक्सीजन गैर ICU बेड है तो 5000 बेड्स के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए, उसका जमा कर एक फॉर्मूले के अनुसार आता है कि हर ICU बेड के लिए इतना ऑक्सीजन और हर गैर ICU बेड के लिए इतना ऑक्सीजन चाहिए, और उसके हिसाब से जमा कर एक
एक आप आंकड़े पर पहुंचते हैं कि इतनी ऑक्सीजन चाहिए, उस आंकड़े के हिसाब से हमें 976 मेट्रिक टन मिलना चाहिए। आज के समय हमें आवंटित 480 है सईद भाई, और 400 भी हमारी दहलीज पर नहीं आ रहा है। अब आज हाईकोर्ट ने भी ये सवाल नहीं केंद्र सरकार से सवाल ठीक है पूछा कि भाई क्यों क्यों, हाँ क्या आधार क्या है, इसीलिए हम समझना चाहते थे आपसे। संबित जी, डॉक्टर संबित जी, अजय जी रह गए, बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक एक करके जवाब दे दूंगा, तो मुझे लगता है सबका जवाब भी मिल जाएगा। बिल्कुल, तो अजय तक जवाब नहीं पहुंचे, नहीं नहीं मिलेगा अजय जी का भी, इसके बाद अजय जी का भी जवाब, अजय हाँ तो इसीलिए आम आदमी पार्टी का, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और समाजवादी बिल्कुल नहीं, अजय अजय जी का ले लेते हैं, संबित जी अजय जी का ले लेते हैं, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है आपके विरोधी हैं, वो भी आपके सवाल उठाएंगे, वो भी आपका विरोध करेंगे, तो एक साथ जवाब दे दीजिएगा। सईद भाई, मेरा मानना है कि अगर 3-1 है तो कम से कम 2 के बाद 1 को तो मौका दीजिए, हम तो जवाब देना चाहते हैं शांतिप्रिय तरीके से, ताकि लोगों को फायदा हो। नाइंसाफी हो जाएगी थोड़ी सी अजय जी के साथ, नाइंसाफी हो जाएगी। चलिए हम तो नाइंसाफी कोई बात नहीं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं संबित जी की, ये तीनों आपके विरोधी हैं, हम तो कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, आपके साथ हैं, लेकिन एक बार अजय जी को, क्योंकि वो भी विरोध नहीं, हम निरंकुश सरकार के विरोधी हैं सईद भाई, निरंकुश सरकार के विरोधी। जी 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 आशुतोष जी, अजय जी जो उत्तर प्रदेश में हुआ, क्या आपको लगता है ये एक ऐसी स्थिति है जो आम व्यक्ति को थोड़ा सा हिला देती है, आम व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद होती है कि हम संबित पात्रा जी को फोन कर लेंगे, अजय कुमार जी को फोन कर लेंगे, डॉक्टर आशुतोष जी को फोन कर लेंगे, राघव चड्ढा जी को फोन कर लेंगे, तो मदद कर देंगे, लेकिन जब एक एमएलए की मदद नहीं हो पाती है तो आम आदमी की आप लोग कैसे सुनेंगे? देखिए सर जी, पहली बात यह है कि जिस सरकार, अगर किसी लड़के को अपने दादाजी के लिए अगर वो ऑक्सीजन मांगता है ट्विटर पर, और आप बोलते हो कि वो झूठ फैला रहा है, उसके ऊपर एफआईआर किया जाता है, ये सरकार तो यूपी सरकार की ये स्थिति है कि आप अगर योगी जी के खिलाफ बोलेंगे ट्विटर में, सोशल मीडिया में, हम तो लिखते रहते हैं, हमारे ऊपर भी केस करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि संबित जी हमारे ऊपर भी केस करें, योगी जी से जो पैरवी करके, क्योंकि अगर आम जनता जो है अगर मांग रही, अगर ऑक्सीजन मांग रहा है किसी अपने पिताजी के लिए, पत्नी के लिए, बेटा के लिए, उसके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है और आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, ये एचपीवी बात नहीं है, आप जो है नोएडा चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, अगर लाशें जो एकत्रित हो जाते हैं तो आप एक टिन का जो है दीवार बना देते हैं। और सही जी, आप एक चीज याद रखिएगा, एक छोटी सी आंकड़े मैं आपको देना चाहूंगा, इस देश में रोज जो है 28,000 से 30,000 के बीच में मौतें होती है औसतन, कभी जो है शमशान घाट में जगह की किल्लत नहीं हुई, ये क्या कारण है कि इतनी जो है किल्लत हुई है? क्योंकि इसका मतलब है कि जो है सरकार जो है झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, और इस झूठे आंकड़े के चलते हुए, और अब जब झूठे आंकड़े 3,000 है देश भर में, क्योंकि देखिए अगर 3,000 मौत है तो सिर्फ 10% बढ़ गया है, 30,000 का जो 10% 3,000 ही हुआ, 10% से इस तरह की जो है कभी पार्क में जो है जलाया जा रहा है, कभी 20 लाशें को एक एम्बुलेंस में लिया जा रहा है, हर जगह जो है हर नुक्कड़ कोने पर जो आप पेमेंट पे जो है लाशें जला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक तो ये सरकार और ये केंद्र और ये प्रदेश के जो भाजपा के जो सरकारें हैं, एक तो सभी अपने जो आंकड़े जो है झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने एक मिनट खत्म होने दी, 2 सेकंड सर, आप बताइएगा कि रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन, सब तीनों जो है केंद्र सरकार और मोदी जी का, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। पहले तो हर्षवर्धन जी को तो इस्तीफा देना चाहिए, हमने जो है मिसिंग इन एक्शन वाले हेल्थ मिनिस्टर है, ऐसे हेल्थ मिनिस्टर जो देश देश ने कभी नहीं देखा हो, जो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, बस चुटकी बातें रहते हैं विपक्ष के सरकार के खिलाफ। ठीक है, आप हेल्थ मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा मांगना चाहिए, संबित जी को जो है संबित जी से अनुरोध करूंगा कि जो कम से कम, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर के जिस तरह से, हेल्थ मिनिस्टर की अब संबित जी को जवाब दे लेने देते हैं अजय जी, हाँ तीनों के जवाब संबित जी आपको देने हैं, लेकिन हाँ। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद सीधे आपके पास आएंगे, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन देखिए ब्रेक भी बढ़ा दिया गया है, संबित जी बताइए। देखिए तीनों का प्रश्न है, मैंने लिख भी लिए हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ, थोड़ा उचित समय दीजिएगा। पहले मैं कांग्रेस नहीं रोकेंगे नहीं आपको संबित जी, तीनों के जवाब। धन्यवाद सईद भाई। पहले मैं कांग्रेस पार्टी से आरंभ करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यहाँ फर्ज आंकड़े हैं, कांग्रेस पार्टी ने कहा सिस्टम में एक एम्बुलेंस के अंदर 20 लोगों को ठूस करके लिया जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में 22 शवों को एक ही एम्बुलेंस के अंदर परसों लिया गया, जो कि आज तक ने उसे बिल्कुल दिखाया, और इसकी पूरी देश में भर्त्सना हुई। क्या कारण है कि महाराष्ट्र में हर दिन आग लग रही है?
10, 13, 5, 17 लोग रोज आग की चपेट में आके कोविड से जो लोग संक्रमित है वो रोज मर रहे हैं। आज 60% केसेस पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य से हो रहे हैं तो वो महाराष्ट्र से हो रहे हैं। सर्वाधिक मृत्यु दर, आज का मृत्यु दर 995 है महाराष्ट्र से। उसके बाद कल सोनिया जी ने कहा जी, जी, राघव जी और आशुतोष जी की भी जल्दी कल, से तो समय है कांग्रेस में ना निकल जाए, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी बैठे। सईद भाई, मैंने बड़े ध्यान से तीन लोगों को सुना, कम से कम आप पक्षपात मत करिए और मुझे बोलिए। नहीं, समय ना निकल जाए ना, आपने एक सेकंड अजय जी बोलने दीजिए, अजय जी बोलने दीजिए। संपित जी, समझ में आता है, आप सीधे एक लाइन में भी कह सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र की हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्यों आप भेदभाव करने कर दीजिए? सईद भाई, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों आम आदमी पार्टी, हम ब्रेक नहीं लेना चाह रहा हूँ संपित जी, ब्रेक लेना नहीं चाह रहा हूँ। आप ब्रेक लीजिए, पहले आप जवाब दे दीजिए दोनों का, आप दोनों का आम आदमी पार्टी, आप जवाब दीजिए। अच्छा, जवाब दीजिए, हम लोग पैसा लेते हैं पहले वो ले लीजिए, हम लोग उसका आप पहले कर्ज उतारिए। आम आदमी पार्टी पैसे नहीं, बिल्कुल हंसने की कोई बात नहीं सईद भाई, बीजेपी नहीं देती है, बीजेपी नहीं देती है, बिल्कुल बीजेपी नहीं देती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का अकाउंट आप हैंडल करते हैं, आप कोषाध्यक्ष हैं, आपको अधिकार है, आप कोषाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, आप कैशियर हैं, ट्रेजरार हैं। सईद भाई, आपने मुझे आप ट्रेजरार हैं, जवाब दे दीजिए आप। नहीं, आपने किसी को नहीं कहा, एक लाइन में बता दीजिए। पहली बार में आपको एक लाइन में जवाब, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बात एक लाइन में बिल्कुल नहीं बोला मैंने, कहा कि आप कांग्रेस में बहुत हो गया, आप समाजवादी पार्टी में आ जाइए। आशुतोष की बात का जवाब दीजिए, और बिल्कुल एक लाइन नहीं कहा, बिल्कुल एक लाइन नहीं कहा, बिल्कुल एक लाइन में नहीं कहा, एक लाइन में नहीं कहा, मैंने कहा महाराष्ट्र बहुत सुना है। अच्छा, मैं बहस नहीं करूंगा, आप जवाब दीजिए। क्यों आप डॉक्टर आशुतोष की बात का जवाब दीजिए, राघव चड्ढा की बात का जवाब दीजिए। मैं तीनों की बात का बड़ी शालीनता से जवाब दे रहा, ब्रेक से पहले दे दीजिएगा संबित भाई, एक लाइन में ब्रेक से पहले। अरे नहीं, क्या उनके समय ब्रेक नहीं, मेरे समय ब्रेक क्यों ले लेते हैं, रुकिए ना आराम से। नहीं, देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, छोड़ दीजिए मैं और राघव यहाँ क्या डिबेट कर रहे हैं। डिबेट तो असली डिबेट तो हाईकोर्ट के प्रांगण में हुआ, अभी भी चल रहा है। क्या कहा हाईकोर्ट ने, इनफ इज इनफ, यू गेट योर हाउस इन ऑर्डर और एल्स वी विल इन फैक्ट टेक एवरी राइट ऑफ योर्स एंड हैंड इट ओवर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यू आर मेकिंग पीपल डाई, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन इज, यू डोंट नो व्हाट सप्लाई चेन इज, यू दो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू विद ऑक्सीजन, यू आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑक्सीजन। ये सब तो आपको दिखा नहीं, राघव जी बोलने दीजिए, राघव जी, राघव जी नहीं, राघव जी मत बोलिए प्लीज, सुन लीजिए राघव जी, मत बोलिए, बोलने दीजिए। नहीं राघव जी, नहीं, एक मौका और मिलेगा राघव जी, ब्रेक के बाद एक एक मौका और मिलेगा आप लोगों को। चलिए संबित जी, चलिए, सबसे बड़ी बात है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, ये तो हमारा बीजेपी का हॉस्पिटल नहीं, 20 लोगों की मृत्यु हुई 5 दिन पहले, और उनके सचिन दाता जो उनके लॉयर है क्या कहा कोर्ट में, कोर्ट में कहा कि हम नोडल ऑफिसर और अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिसरों को फोन करते रहे, उन्होंने फोन उठाया नहीं। द वंस हु आर रिस्पांसिबल फॉर द डेथ इज द नोडल ऑफिसर एंड दिल्ली गवर्नमेंट। संबित जी, ब्रेक में 1.5 मिनट है, समाजवादी पार्टी की बात का जवाब भी उसी में शामिल कर लीजिएगा प्लीज। मैं समय दिला रहा हूं, मैं बिल्कुल 1.5 मिनट है ना, मैं 50 सेकंड समाजवादी पार्टी को दूंगा, 1 मिनट पहले आम आदमी पार्टी को खुलासा करूं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, अभी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिया है कि हमें क्रायोजेनिक टैंक दे दो। अरे ये इससे पहले कह रहे थे, इससे पहले हमें देखो, पहली बात पहले ये देखिए सईद भाई, मैं किसी की भी मत बोलिए प्लीज, नहीं ठीक है, इसके बाद मैं भी बोलना शुरू करूंगा। जब ये बोलते हैं आप इनको सिंगल फ्रेम आराम से समय देते हैं, मुझे समय क्यों नहीं देते सईद भाई, आराम से बोलने दीजिए, कोई इंटरफेयर ना करे, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्रायोजेनिक टैंक के लिए 1 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट दिया, अगर यही एडवर्टाइजमेंट 10 दिन पहले दे दिया होता या 1 महीने पहले दे दिया होता, कोर्ट ने क्या कहा कि डू यू थिंक द क्रायोजेनिक टैंक्स विल बी डिलीवर्ड एट योर डोरस्टेप। अरविंद केजरीवाल वाज एन एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट वाज ही डूइंग, व्हाई डिड नॉट ही डू एनीथिंग फॉर 3 डेज। लोग मर गए और 3 दिन तक अरविंद केजरीवाल सिर्फ टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे। आप एडवर्टाइजमेंट देते रहिए, हम आपको ऑक्सीजन देते रहेंगे, कम से कम हाथ जोड़ के निवेदन है, ऑक्सीजन जो लोग मर रहे हैं उन तक पहुंचा तो दीजिए, ये तो आपका कर्तव्य है। समाजवादी पार्टी के मेरे जो डॉक्टर साहब हैं आशुतोष वर्मा जी, उन्होंने कहा कि बयानबाजी बहुत खराब हो रही है। सबसे खराब बयानबाजी इस काल में अगर किसी ने किया है तो आदरणीय अखिलेश जी ने किया है, जिसने बीजेपी की वैक्सीन बताया वैक्सीन को, और कहा कि ये वैक्सीन कोई ना लेना, और इन्होंने कहा बीजेपी के इतने MLA और MP मर रहे हैं। मैं बिल्कुल उनकी आत्मा को शांति मिले, ये वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे MLA और MP जमीन पर लड़ रहे हैं, वो लोगों के घर में खाना लेके जा रहे हैं, सेवा ही संगठन के नाम पे वो लोगों के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं, इसलिए संक्रमित होकर मर रहे हैं। इसलिए आप कम से कम उनके दिवंगत आत्मा को चिढ़ाइए नहीं कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई, हमारे यहाँ से तो किसी का नहीं हो रहा है, आपके यहाँ डेथ क्यों हो रहा है। ये मुझे लगता है इस प्रकार से किसी के डेथ का मजाक तो मत उड़ाइए आशुतोष जी, आप तो डॉक्टर हैं,
चेतन जी की मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो, ऐसे ऐसे गिराना नहीं चाहिए। आपके बिल्कुल हुई है, पिछले 15 दिन से क्वारंटाइन पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, हमारे कहाँ पे काम कर रहा है जो आदमी कोरोना पॉजिटिव है उसको क्वारंटाइन नहीं होना चाहिए क्या? खुद आपके अखिलेश जी क्वारंटाइन नहीं है क्या? वो कोरोना वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। क्या वो क्वारंटाइन कौन सा व्यक्ति बाहर पकड़ा हुआ है? कौन सा व्यक्ति और हमारे चारों मेहमानों ने जो बातें की हैं वो तय आपको करना है। हाँ, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीजेपी के विधायक केसर सिंह जी की मृत्यु हुई कोरोना से, उनके बेटे ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा और ये कहा कि मैंने मदद मांगी, मुझे मदद नहीं मिली। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हर उत्तर प्रदेश के निवासी का सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज होगा। लेकिन नोएडा की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी जिले की बात कर लीजिए, अस्पतालों में मरीजों को, कोरोना पेशेंट्स को भर्ती नहीं किया जा रहा है। बीजेपी के विधायक की उत्तर प्रदेश में मौत हो जाती है कोरोना से, उनके बेटे एक फेसबुक पोस्ट लिखते हैं और ये कहते हैं कि मैं लगातार मुख्यमंत्री ऑफिस में फोन करता रहा, मदद मांगता रहा, किसी ने फोन नहीं उठाया। संबित जी, एक सवाल हम बार बार उठा रहे हैं संबित जी, और वो बहुत अच्छी बात थी, ये 4-5 दिन पहले भी आपसे कही थी, योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल में जाए, वो उसे एडमिट करें, उसका इलाज करें, खर्च हम देंगे। इतनी अच्छी बात, लेकिन यहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल सुन नहीं रहे हैं। सरकारी अस्पताल में कौन डॉक्टर है, कौन डायरेक्टर है, कहाँ पर इंक्वायरी है, कहाँ जाए, ये पता नहीं चल रहा है। नोएडा के जिम्स में 150 लोग बाहर अस्पताल के प्रांगण में लेटे हुए हैं, उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं। संबित जी, क्या इस स्थिति के लिए कुछ और नहीं करना चाहिए, या योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश आदेश का पालन ना निजी अस्पताल कर रहे हैं ना सरकारी अस्पताल कर रहे हैं? मैं जवाब देता हूँ। सईद भाई, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, देश में परिस्थिति चिंताजनक है। महाराष्ट्र में भी लोग हॉस्पिटल के बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली में सिचुएशन क्या है वो भी सोच रहे होंगे कि मुझे भी करना चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार भी चिंता कर रही है और मुझे लगता है आदरणीय योगी जी भी पूरे सिचुएशन को उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, जहां तक केशव सिंह जी का सवाल है, वो एक सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। ऐसा नहीं है कि उनको किसी प्रकार से ऑक्सीजन की या किसी एसेंशियल ड्रग की कमी इत्यादि रही है, उनको ऑक्सीजन इत्यादि सब मिल रहा था। सही बात है, वो चाहते थे कि और बड़े अस्पताल में जाए, मैक्स में जाए, बाकी अस्पताल में भर्ती हो दिल्ली में आकर। ये किसी की भी चाहत होती है और खास करके परिवारजन की तो चाहत होती ही है कि उनकी माता जी, उनके पिताजी को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। मगर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर यही हर्षवर्धन जी करते कि आपको वहां से लाके यहाँ पर किसी और मरीज को मरहूम करके बेड दिया जाता तो ये वीवीआईपी कल्चर कहलाता और आप इसके पक्ष में भी खड़े नहीं। ठीक है संबित जी, ये हम इससे सहमत हैं आपसे, किसी किसी को भी, या तो एक नियम होना चाहिए, नहीं करेंगे सिफारिश तो किसी की भी नहीं करेंगे, वो करेंगे तो अगर एक आम व्यक्ति भी आया, मजदूर भी आया, तो उसकी करेंगे। लेकिन क्या आप मानते हैं संबित जी कि हाँ, अभी क्योंकि आपने महाराष्ट्र का, दिल्ली का जिक्र किया, हाँ आ रहे हैं सर, क्या आप ये मानते हैं कि हाँ स्थिति वाकई खराब है और जरूरत से ज्यादा, बेड से ज्यादा, जितनी ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई हो रही है उससे कहीं ज्यादा डिमांड हो रही है, इस वजह से ये स्थिति पूरे देश में है और सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं? आप चारों जवाब दे दीजिए। संबित जी, ये सवाल का जवाब आपसे आखिर में, क्योंकि आप बोल चुके हैं अजय जी सबकी जिम्मेदारी, सब हाथ उठा दें कि भैया जितना हम कर सकते हैं हमने कर दिया, अब ऊपर वाले के भरोसे आप मरते हैं तो मरें। देखिए सर जी, पहले एक चीज सबको, आपके सभी दर्शकों को ये बात बतानी चाहिए कि ये कोविड की लड़ाई में केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत पूरी शक्ति ले ली, वैक्सीन के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, रेमडेसिविर के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, और इस केंद्र सरकार ने जनवरी तक वैक्सीन की ऑर्डर ही नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि आप वैक्सीन पर जीत गए। ठीक है, आपको बीच में इसलिए रोक रहे हैं अजय जी, बीच में इसलिए रोक रहे हैं, समय की बहुत कमी है। आशुतोष जी, क्या सिर्फ हम बीजेपी की सरकार पर, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, सर हम सवाल उठा दें कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, आपने क्या किया?
आपने क्या किया, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपने क्या, आपकी पार्टी ने क्या किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमने किया, मैं हम लोगों ने बिल्कुल किया और हर जगह पे किया है, हर जगह जमीन पे समाजवादियों ने, हर जगह हम लोग ने ऑक्सीजन पहुंचाई है, हर जगह हम लोग बेड पे ले दिलवा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे हैं। क्या समित भाई एक बात ये गलत कर रहे हैं, क्या ब्रिजेश पाठक आपके एमएलए हैं, मंत्री हैं, न्याय मंत्री हैं? मैं सही भाई मैं जवाब दूं? हाँ आपसे भी सवाल यही है, क्या आप भी राघव जी ये स्वीकार कर लेंगे कि भाई जितना हम कर सकते थे हमने तो 1200 बेड ज्यादा बना दिए, 500 का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अब इतना हमने कर दिया, तो फिर क्या क्या बिल्कुल नहीं, तो फिर अगर एक भी व्यक्ति को दिल्ली में बेड नहीं मिल रहा है राघव जी तो वो क्या करे? मैं बता देता हूँ, देखिए 50 ऑक्सीजन बेड से आज हम 18,000 ऑक्सीजन बेड्स की आंकड़े पर आ गए अरविंद केजरीवाल जी की परिश्रम द्वारा, और मैं आपको बताऊं लगातार हजारों की तादाद में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बेड के लिए आज जो प्रैक्टिकल जरूरत है, आज किसी कोविड मरीज का ट्रीटमेंट होता है तो अस्पताल में खाली बेड नहीं होता है, बेड होता है और साथ में एक ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, दो ही चीजें चाहिए, बेड चाहिए जहां डॉक्टर आपको आके आपका इलाज कर सके, दवाई दे सके, आपको चेक कर सके और ऑक्सीजन आपको लगाई जाए। तो राघव जी का फ्लो, तो राघव जी आप ये क्यों नहीं कहते, ऑक्सीजन की कमी है राघव जी, आप ये क्यों नहीं कहते आज खुल के, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमारी जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उतनी सप्लाई हमारे पास नहीं है और इसलिए इतनी ऑक्सीजन में आप नहीं, आप ये नहीं, आप ये कहिए ना आज, आप ये कहिए कि इतने ऑक्सीजन में हम इतने पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, अब आज के बाद कोई भी अगर पॉजिटिव होता है तो वो कहीं जाए मरे उसे इलाज मिले ना मिले दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं है, कह दीजिए आप। इलाज तो फिर भी दे रहे हैं और हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से विनती कर रहे हैं कि आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं पर थोड़ा सा सहयोग और कर दीजिए, आपने जितनी दरिया दिली और राज्यों के हिसाब से दिखाई, जिसने जितनी ऑक्सीजन मांगी उससे ज्यादा ऑक्सीजन उसकी झोली में डाल दी, ठीक है, दिल्ली वालों के लिए भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप सुन लीजिए, नगर निगम राघव जी एक निवेदन हमारा भी सुन लीजिए प्लीज, राघव जी दिल्ली वासियों की तरफ से एक निवेदन हमारा भी सुन लीजिए आप, ठीक है आप बहुत बहुत निवेदन कर रहे हैं, बहुत डिमांड कर रहे हैं, बहुत हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से कि पूरी ऑक्सीजन दे दीजिए वो ठीक है, सब सुन रहे हैं सब देख रहे हैं, आज इस समय क्या राघव जी आप दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को यह आश्वासन दे सकते हैं कि ऑक्सीजन की इतनी कमी है, बेड्स की इतनी कमी है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति आज पॉजिटिव हो जाता है उसे अस्पताल की जरूरत है तो वो क्या करे? कोई नंबर दे सकते हैं, अपना नंबर, मुख्यमंत्री जी का नंबर, हेल्पलाइन नंबर, और आप क्या ये आश्वासन दे रहे हैं आज कि अगर आपके पास फोन आएगा तो आप उसे कहीं ना कहीं एडमिट करवा देंगे? उसकी जान मेरा, शहीद भाई मेरा नंबर तो सार्वजनिक है और मेरे नंबर पे रोजाना हजारों कॉल आते हैं, और आप सुन लीजिए ना, जवाब सवाल पूछा तो जवाब भी सुनिए, हजारों कॉल आते हैं और हम अधिकतर लोगों का एडमिशन कराते हैं और ये कोरोना ऐप एकमात्र दिल्ली है जिसने जारी करी और किसी राज्य में ये नहीं है, रियल टाइम बेसिस पर आप इस ऐप पे चेक कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है अभी फिर ऐसा क्यों होता है, फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग आज भी, सही भाई मेरे पास 10 मैसेज हैं सर मेरे पास जिन्हें बेड नहीं मिल रहा है, सुनिए ना मैं जवाब दे रहा हूँ ना, देखिए कुल मिलाकर 20,755 बेड दिल्ली में है जिसमें से इस समय आज के समय इस क्षण 1250 बेड खाली हैं। अरे फिर भी लोगों को एडमिशन नहीं मिलता, फिर भी लोगों को नहीं मिलता, फिर भी वो राधा 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 स्वामी में जो आपने बनाया 500 बेड का हॉस्पिटल वहाँ ताला गेट बंद करके रखा हुआ है क्यों? सही भाई अस्पताल पे डिपेंड करता है, मान लीजिए आप अपने मनचाहे अस्पताल में गए कि यहाँ पर, अरे मनचाहे की तो सर मरता क्या करेगा सर, मैं जवाब दे सकता हूँ आज यदि आप किसी अस्पताल में गए अगर उस अस्पताल में आपको बेड नहीं मिला तो इस ऐप पे आप देखें कि कौन से अस्पताल में बेड है, जिस अस्पताल में बेड है उस अस्पताल में बेड मिलेगा, वहां मिल रहा है, लेकिन यह है कि क्योंकि आज हमारी जो सीमा है, एक हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमा है, वो कहीं ना कहीं आज ओवरवेल्म होती नजर आ रही है, आज हरियाणा यूपी और राजस्थान के नेताओं को भी अगर इलाज कराना होता है ना सही भाई, ठीक है, तो केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य सिस्टम पे निर्भर होकर दिल्ली आते हैं। अरे सर बहुत अच्छी बात, पात्रा जितना भाग ले ये देश को चार गाली देकर ये देश भाग ले, देश मैं कांग्रेस चाहूंगा दिल्ली वालों हमारा देश, सही भाई मैं आप बोल सकता हूँ, हमारा देश कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है राघव जी, हमारा देश कांग्रेस बीजेपी का समाजवादी पार्टी का नहीं है, हमारा देश देशवासियों का है और हम कहीं भी जाके इलाज करवाएं, हम यूपी जाएं, महाराष्ट्र जाएं, उत्तर प्रदेश जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, दिल्ली में जाएं, हम लोग कहीं भी जाके इलाज करवा सकते हैं, हमारा अधिकार है और हम करवाएंगे, आपका स्वागत है।
हम तो करवाएंगे संबित जी, संबित जी आज कोई आश्वासन दीजिए, संबित जी आज कोई विश्वास दीजिए, संबित जी आज कोई भरोसा, आज कोई भरोसा महाराष्ट्र के लोगों को भी दीजिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी दीजिए, दिल्ली और मध्य प्रदेश के लोगों को भी दीजिए कि हम आपको मरने नहीं देंगे ऑक्सीजन की कमी से, हम आपको मरने नहीं देंगे अस्पताल की कमी से, बेड की कमी से। देखिए अभी तो खुद आम आदमी पार्टी ने एक बात एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि बेड नहीं थे, अरविंद केजरीवाल ने 18,000 ऑक्सीजनेटेड बेड बनाए, खुद कह रहे थे कि बिना ऑक्सीजन के तो कुछ नहीं हो सकता, ऑक्सीजन तो मोदी जी ही देते हैं, मतलब ये मोदी जी ने 18,000 बेड बनाया दिल्ली में, ये तो आम आदमी पार्टी ने अभी आपके शो में कहा है, क्योंकि आप ऑक्सीजन नहीं हो तो मोदी जी खराब, ऑक्सीजन के बेड बना दे तो ये अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं, कहां से ऑक्सीजन लाते हैं, तो इसलिए 18,000 से अधिक बेड मोदी जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार, मैं बीच में नहीं बोल रहा था शहीद भाई, ये बहुत गलत बात है, समय नष्ट होता है राघव जी, समय नष्ट होता है राघव जी, हाँ ठीक है ठीक है, संबित जी बात पूरी कीजिए और वो विश्वास देखिएगा जरूर लीजिएगा, संबित जी कैसे कैसे मैं आश्वासन दूंगा मगर मेरे बीच में ऐसा क्यों होता है, दूसरों के बीच में कोई चिल्लाता नहीं, ऑक्सीजनेटेड बेड अरविंद केजरीवाल ने बनाए, जनता को मैं आश्वासन दे रहा हूँ ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं बनाए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो इनके हाथ में ही नहीं है, ये मोदी जी ने आपके लिए बनाए हैं, जितने भी बेड आज दिल्ली में, कोई राजस्थान का मंत्री आके दिल्ली में नहीं भर्ती हो रहा है, एक सेकंड और बना रहे हैं ये हजार, तो ये डीआरडीओ में जाके अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल क्रेडिट हमारा ही है, डीआरडीओ में घूम रहे अरविंद के, फिर ये बीच में शहीद भाई है, फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर ये बीच में बोल रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट ले लो ऑक्सीजन हम देंगे, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, हम ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम ही देंगे, आप एडवर्टाइजमेंट ले लो, आप ऑक्सीजन दे दो, हम ऑक्सीजन जनता को दे, ऑक्सीजन दे, हम ऑक्सीजन जोड़ दे रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट दो, आप ऑक्सीजन दे दो, आप एडवर्टाइजमेंट लो, क्रेडिट आपका, क्रेडिट सारा, आप एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट लो, आप पहले टीवी पे आओ, पहले अरविंद केजरीवाल जी का एड दिखाओ भैया, ये सब क्यों इतना बोल रहे हो, और वो दिखाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी का एड नहीं आया, पहले मोदी ने अभी तक तो आ जाना चाहिए, तीन चार बार चले, अभी रुक मैं बीच में बोला था शहीद भाई, मैं कंप्लीट कर लूं, देखिए देखिए शहीद भाई, मैं बीच में बिल्कुल चिल्लाता नहीं, अभी बंगाल की रैली करूंगा, पहले कैसे बोलूंगा मैं बताइए, एक लाइन नहीं बोल पाता हूँ, सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो पहले बंगाल की रैली से तो फ्री हो जाओ, पहले बंगाल की रैली समाप्त कर लो, शहीद भाई अच्छा नहीं है, आपने कहा सबको आश्वासन दीजिए, आज ये लोग सब कह रहे हैं कि मोदी जी ने ही सब कुछ खराब कर दिया, मैं कह रहा हूँ आज महाराष्ट्र में सोनिया जी ने कहा कि सिचुएशन बहुत अच्छा हो गया, वाह वाह कहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, तो मोदी जी को ही वाह वाह दिया ना उन्होंने, क्योंकि सब कुछ तो मोदी जी के हाथ में है, ऑक्सीजन भी उनके हाथ में है, बेड भी उनके हाथ में है, रेमडेसिविर भी उनके हाथ में है, तो मोदी जी को वाह वाह दिया। दूसरा आज कोर्ट में एक बहुत बड़ी बात हुई है, आज कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा हमारे को मात्र 2,500 रेमडेसिविर मिला है, कोर्ट ने कहा झूठ मत बोलो, आपको 52,000 रेमडेसिविर मिला है, कहां बंद करके रखे हो, निकालो उसको, मैं हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल जी से कहूंगा कि ये जो रेमडेसिविर आपने झूठ कहा कोर्ट में आज कि मात्र 2,500 मिला है, और कोर्ट ने आपको आईना दिखाया कि 52,000 मिला है, प्लीज उसे निकालिए, उसको राजनीति करने के लिए अपने विधायकों के हाथ से बंटवाने के लिए उसको बंद करके मत रखिए भाई साहब, उसे हॉस्पिटल पहुंचाइए, ये अश्योरेंस आप डिबेट में दीजिए, अजय जी, अजय जी कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है क्या, कोई ऐसा वैकल्पिक इंतजाम किए गए हों जहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा हो, उन्हें कुछ दवाइयां दी जा रही हो, डॉक्टर से कंसल्टेंसी दिलवाई जा रही हो? देखिए यही तो है कि ये लोग ज्यादा कम काम करते हैं और ज्यादा हल्ला करते हैं, अभी तक जो 20,000 लोग का तो कोविड सेवक के रूप में हर एक 20,000 लोग जो है शामिल हो गए इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में, हर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन खोल दिए गए हैं, हर हेल्पलाइन में डॉक्टर्स की फ्री कंसल्टेशन हो रही है, प्लाज्मा का जो ब्लड प्लाज्मा डोनेशन चल रहा है, आपने यूथ कांग्रेस का काम देखा होगा, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस ने हमेशा जो आपदा के समय देश का देश के जनता के लिए सेवा प्रदान किया है,
और आरएसएस जैसे नहीं कि आप सिर्फ फोटो में दिखाई देते हैं, आप आरएसएस कहाँ है पूछ लीजिए। आरएसएस के बारे में इसलिए बोलूंगा क्योंकि आरएसएस के बारे में बैठ छोड़ दिया। संदीप जी बोल लेने दीजिए, संदीप जी आप भी राघव जी की तरह कर रहे हैं, बोल लेने दीजिए संदीप जी। नहीं नहीं अजय जी को बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, बोलेंगे हम बोलते रहेंगे। संदीप जी बोल लेने दीजिए, संदीप जी जनता तय करेगी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। आरएसएस क्या कर रही है? संदीप जी बोल लेने दीजिए, अजय जी बोलिए। अपने जीवन त्याग दिया, उन्होंने अपना बेड दे दिया दूसरे के लिए, अपना जीवन अपना बेड दे दिया। संदीप जी डॉक्टर संदीप पात्रा जी आप जानते नहीं, डॉक्टर संदीप पात्रा जी कौन है आप जानते नहीं। नारायण दाभोलकर ने किस प्रकार, डॉक्टर संदीप पात्रा अजय को और बोल दीजिए, अपना बेड त्याग दिया ताकि दूसरे को जीवित रखा जा सके, और फिर भी आप आरएसएस को कोस रहे यहाँ पर आके। आप महाराष्ट्र में फेल हो गए, आप छत्तीसगढ़ में फेल हो गए, और उसी का नतीजा रहा कि आप कोरोना का पूरे कहां सेवा कर रहे हैं। आप एक उदाहरण दीजिए, आरएसएस का कहां पर सेवा चल रहा है, कहां पर शिविर चल रहा है, आप उदाहरण दीजिए। अजय कुमार जी को बोलने दीजिए, संबित जी आपको नहीं रोका था उन्हें। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, सब मिलके मेरे आप बताइए दिक्कत क्या है सैयद जी, कि ये जो सिर्फ अपने प्रचार में रहते हैं, जब जो आपदा इस देश के सामने, जब संकट सामने इतना बड़ा संकट है, तो ये कहीं पर नहीं दिखाई देंगे। रेमडेसिविर ये लेंगे, सीआर पाटिल जी, फडणवीस जी लेंगे, और आरएसएस का नाम लेकर के इनको तकलीफ इसलिए हो रही है। आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए अजय जी, कि अगर आज किसी देश में कहीं पर भी आपकी सरकार हो उस राज्य में या ना हो, अगर वहां उत्तर प्रदेश में मान लीजिए किसी को बेड की जरूरत है, तो आप क्या मदद करें? आप तो यही तो मैं कह रहा हूं, तब से हर एक जिला में हेल्पलाइन खुल गया है, डॉक्टर्स के फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, प्लाज्मा डोनेशन चल रहा है। आपने तो ट्विटर से, सोशल मीडिया, यूथ कांग्रेस से लेकर के महिला कांग्रेस से लेकर के मेन कांग्रेस, सब लोग इसमें शामिल है। हमने अभी तक 20,000 कांग्रेस कार्यकर्ता को सेवक के रूप में लगा दिया हर जगह जितने संभव है। अगर आप देखेंगे कि एक ही पार्टी है, बाकी पार्टी अपने जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन पूरे देश में अगर इस कोविड को सेवा के रूप में, कहां पर जो प्रचार नहीं हुआ, ये तो जो है ये सब पहुंचाने वाले घाट का भी जो है गाड़ियों का भी उद्घाटन कराते हैं बीजेपी वाले, आपने देखा होगा ये फोटो, इस तरह के लोग हैं। चलिए ठीक है, आप अपनी बात कीजिए, बीजेपी को तो ठीक है सर, आप बीजेपी को तो विरोध करते ही हमेशा। डॉक्टर आशुतोष, हमारे साउंड अब तो म्यूट किया था, आशुतोष जवाब दे रहे थे, नहीं आरएसएस को इतनी गाली दे चुके हैं, मैं जवाब दे दूं, आरएसएस को इतना गाली दिया, मुझे म्यूट किया था, मैं जवाब दे दूं जरा इनको, आरएसएस को देखिए ठीक है, दोनों बहस कर लीजिए, आप जवाब दीजिए, कर दीजिए भाई साहब, इन्होंने जैसे मुझे म्यूट किया था इनको भी म्यूट कर दीजिए जरा, जैसे मुझे म्यूट किया था इनको भी म्यूट कर दीजिए, मैं जवाब देता हूं। संबित जी आपने आश्वासन नहीं दिया कि अगर एक भी व्यक्ति को बेड चाहिए तो वो कहां जाए, तो ये आपको आश्वासन दे रहे थे कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, आपको आश्वासन दे रहे थे आरएसएस के खिलाफ? संबित जी कांग्रेस, मैं जवाब दे रहा हूं भाई साहब, इन्होंने आरएसएस के लिए कहा कि आरएसएस कुछ भी नहीं करती। आरएसएस के नारायण दाभोलकर साहब की स्टोरी कल आपने पढ़ी होगी, उस बाबा जी ने किस प्रकार से अपना बेड, अपनी जिंदगी त्याग कर दी ताकि किसी दूसरे जवान मरीज को जिंदगी मिल सके, ये है आरएसएस, उसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और मैं केवल इतना कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, इतना बोलने से अच्छा अगर महाराष्ट्र को समय से कंट्रोल कर लिया होता तो हिंदुस्तान की आज ये अवस्था नहीं होती। वहां 100 करोड़ वसूली प्रति माह करने में व्यस्त थे सईद साहब ये लोग, आज FIR भी हो रहा है, और उस एबज में कोरोना महाराष्ट्र में जिस प्रकार से फैला, वहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला। अगर कोई इसके लिए दोषी है तो ये सारे वसूली गैंग वाले दोषी हैं, उसके लिए पैसे के लिए, कमीशन के लिए इन लोगों ने कोरोना को फैलने दिया। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट मैच किया उस समय, छत्तीसगढ़ ने फ्री टिकट बांटे, सचिन तेंदुलकर को भी 3 बार बुलाया, बेचारे को भी कोरोना हुआ वहां से, सचिन भाई को, और बाकी लोगों को भी कोरोना करके भेजा वहां से। ये सारी बातें हैं, मैं फिर भी मानता हूं कि आश्वासन देना चाहिए, और हमारा काम ही यही है कि लोगों को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बिल्कुल कहता हूं कि हाँ, हमारे कार्यकर्ता जो है ग्राउंड पे, नड्डा जी ने हमें सबको कहा है कि सेवा ही संगठन के माध्यम से, किसी को भी बेड की आवश्यकता हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, खाने की आवश्यकता हो, हेल्पलाइन हमने जारी किया है। कल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने, आपने देखा होगा, डॉक्टरों के एक पैनल का भी नाम जारी किया है, हमारी टेली कंसल्टेशन चल रही है, जो लोग घर में आइसोलेटेड है उनके लिए आज तक लगभग 50 लाख फूड पैकेट भेजे जा चुके हैं। हेल्पलाइंस पे हर स्टेट में हेल्पलाइन है, हेल्पलाइंस पे लोग फोन कर रहे हैं, जो फोन कर रहे हैं वो मुहैया कराया जा रहा है। और मैं लोगों से कहूंगा कि हेल्पलाइन, कल भी हमने ट्वीट किया था, हमारी पार्टी ने ट्वीट किया था, कृपया करके उस हेल्पलाइन का भी इस्तेमाल करिए। हाँ,
कभी कभी हमसे भी चूक हो जाती है कि कई लोग फोन करते हैं, फोन उठ नहीं पाता है, या हम सब कुछ नहीं कर पाते सबके लिए, मगर हम प्रयास करेंगे जितने लोगों के लिए जितना हो सके, ये हम एक बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते अवश्य करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अब डॉक्टर आशुतोष का लिंक टूट गया है, वो हमारे साथ नहीं है। आप तीनों से ये आखिरी सवाल है, और ये सवाल इसलिए ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप इस देश के नागरिक भी हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि इस संकट के दौर में, ये महामारी है, ये प्राकृतिक आपदा है, तो यहाँ पर जब आप लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश करते हैं तो देशवासी दुखी होता है, उसे लोग लगता है कि ये तो हमारा एकजुट भारत है और एकता, ये अखंडता में ही हमारी एकता है, और जब आप अलग अलग बातें करते हैं तो हम लोगों को दुख होता है। आप तीनों से एक सवाल, राघव जी आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद अजय जी और संबित जी आप उसको समापन कर दीजिए कार्यक्रम का। जितने भी प्रयास हो रहे हैं आपकी सरकार की तरफ से राघव जी, केंद्र सरकार की तरफ से, और कलेक्टिवली सभी लोग, विदेशों से मदद आ रही है, हमारे उद्योगपति, जो हमारा उद्योग जगत है वो मदद कर रहा है, आपको लगता है कब तक स्थिति सुधर पाएगी संसाधनों के दृष्टिकोण? देखिए, पूरा देश मिलकर काम कर रहा है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, उद्योगपति जगत भी, एनजीओ भी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी, हो सकता है अन्य पार्टियों के लोग भी काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी आपदा है, आपका शो सब लोग देखते हैं, और सब लोगों को मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, अरविंद जी ने भी उस दिन दिया, कि जो आपने कहा कि अगर हम ये यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में बट गए तो समस्या हो जाएगी, एकजुट होकर लड़ेंगे महामारी से तो जीतेंगे। अब हमने ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया, हरियाणा सरकार ने हमारे ऑक्सीजन की ट्रक रोक लिए, यूपी सरकार ने हमारे ट्रक रोक लिए, हमने ये पैगाम दिया उनको, हमने कहा ऐसे मत रोको, आपको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें भी है, मिल बांट के ऑक्सीजन अपने राज्य में लगाते हैं, अगर आप हमारे ट्रक रोकोगे तो दिल्ली में कमी हो जाएगी, कल को कोई और राज्य आपका ट्रक रोकेगा तो आपके राज्य में दिक्कत हो जाएगी, तो हमें इस समय एकजुट होकर, मैं एकदम स्पष्ट भाषा में कहूं, हमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में भी नहीं बटना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मानवता पे आपदा है, इसमें हो सकता है आम आदमी पार्टी वालों को भी कोरोना से संक्रमण हो, बीजेपी वालों को भी संक्रमण होगा, तो हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है सब। और अगर हम, अजय जी जल्दी से 30 सेकंड, समय खत्म हो गया, सॉरी, माफी, केंद्र सरकार पर थोड़ी सहानुभूति के साथ हमारी ओर। थैंक यू, अच्छी बात कही आपने राघव जी। सर जी, हेलो, 30 सेकंड सर, जल्दी से, समय खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं कि देखिए, सब पहले तो प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार बड़ा दिल दिखा करके वैक्सीन को जो है सभी पूरे देश में फ्री में बांट दीजिए, कम से कम इतना तो कर दीजिए, नहीं तो इस देश में और भी बड़ी संकट आने वाली है। मैं उनसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूँ, जो सब लोग मिलकर के, सर ठीक है, देखिए मैं तो कहूंगा इतने नेगेटिव पॉलिटिक्स, मतलब वैक्सीन के लिए भी पॉलिटिक्स हुई, वैक्सीन को भी बीजेपी का वैक्सीन बताया गया, ये सब भी होने के बाद केंद्र सरकार जिस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी की राज्य सरकारें हों, चाहे कांग्रेस की राज्य सरकारें हों, चल रही है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विषय है, इसी प्रकार से साथ चलना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, जरूर जी। लेकिन आज चर्चा हम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक की कोरोना से मौत हुई और उनके बेटे ने यह आरोप लगाया कि उन्हें मदद नहीं मिली, वो मदद मांगते रहे। फैसला आपको करना है इन नेताओं के तर्क सुनकर, इनकी बातें सुनकर, इनकी बातें सुनकर लगता है सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं है, अच्छा होना है, आप और हमें मिलकर करना है। देखते रहिए आज तक।